नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव को धार देने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे। प्रदेश की राजधानी में पहुंचकर चुनावी बिगुल बजा दिया और फिर से दोहरा दिया कि 2024 में अगर प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को ही 2022 में चुनना होगा। डबल इंजन की सरकार कितनी ज्यादा जरूरी है, इन तमाम बातों को दोहराते हुए अमित शाह ने यह संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी कितनी जरूरी है। उनके इन तमाम वक्तव्यों से इतर एक कदम उनका विपक्ष के लिए मौका बन गया और विपक्ष तो वैसे भी मौके की तलाश में रहता है, लेकिन इस बार खुद बीजेपी के चाणक्य के मंच पर अजय मिश्रा और टेनी की मौजूदगी ने विपक्ष के हाथों एक और फिर से मुद्दा दे दिया। लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर लगातार घिरी बीजेपी अब एक बार फिर से निशाने पर आ चुकी है। इस बार निशाने पर इस कारण से आई है कि जिस अजय मिश्रा और टेनी को लेकर लगातार जो है विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेर रही थी, वही टेनी जब अमित शाह के साथ मंच साझा कर रहा हो तो विपक्षी पार्टियां क्यों ना घेरे। चाहे बात कांग्रेस की हो या फिर समाजवादी पार्टी की हो, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने ट्वीट करके बीजेपी को जमकर घेरना शुरू कर दिया और ये तक कहा जा रहा है कि जब आरोपी का पिता गृह मंत्री के साथ में मंच पर खड़ा हो तो फिर कैसे ऐसे आरोपी को सजा मिल सकती है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी प्रकरण के दौरान में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लामबंद हो गई थी, उसके बाद में आखिरकार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद में उसके पिता का अमित शाह के साथ मंच पर होना एक बार फिर से बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर से मौके को भुनाना शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी ट्वीट करते हुए कहती हैं कि एक तरफ बुंदेलखंड के अंदर खाद लेने के लिए जो किसान है वो मर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहां देख लीजिए मंच पर कौन पहुंच रहा है। मंच पर पहुंच रहे हैं अजय मिश्रा उर्फ टेनी। जब अजय मिश्रा उर्फ टेनी वहां पर खड़े हुए हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये बीजेपी कितने घमंड में है, लेकिन जनता आपके घमंड को देख रही है। इस तरीके से प्रियंका गांधी ने एक तरफ जहां ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया और उनकी तरफ से भी कहा कि आप चाहे जो रणनीति बना लीजिए लेकिन जनता आपको देख रही है, इस बार आपको सत्ता से बेदखल करके ही रहेगी जनता। और ये सारा निशाना साधा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा उर्फ टेनी के गृह मंत्री के साथ मंच पर होने के कारण। आपको बता दें कि लखीमपुर के प्रकरण जिसमें चार किसानों की हत्या हो गई थी, हत्या इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो किसानों की अपनी भीड़ थी प्रदर्शन लगातार कर रही थी और उसी दौरान में एक जीप आकर उनको कुचल देती है। आरोप ये लगे थे कि अजय मिश्रा और फुटेनी का बेटा आशीष मिश्रा उस जीप में मौजूद था। इन्हीं आरोपों के तहत फिलहाल उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पूरे मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ में मामला दर्ज हुआ था, जबकि दर्जन भर अभी तक गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी हैं। दरअसल चार किसानों की मौत के बाद में जो भीड़ थी किसानों की, आरोप ये भी लगे कि बाकी उस चार और हत्याएं उनके द्वारा भी कर दी गई। उस भीड़ ने गुस्से में आकर पीटा, उसमें ड्राइवर भी मौजूद था, एक पत्रकार की भी उसमें मौत हुई। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ये पूरा का पूरा मामला फिर से गरमा चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा और फुटेनी की मौजूदगी अमित शाह के साथ मंच पर होने के कारण।